कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ सटी लगघाटी के खलाड़ा नाला में बीती रात पहाड़ी दरकने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण लगघाटी की 12 पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। लगघाटी के 12 पंचायतों के हजारों लोगों को आवाजाही के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़क पर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाकर सड़क बहाली का कार्य शुरू कर दिया गया। भारी बारिश के चलते आसपास की चट्टानों को गिरने का खतरा अभी भी बना हुआ है। वहीं लोक निर्माण विभाग कुल्लू डिवीजन एक्सिन विनय हाजरी ने कहा कि बीती रात घाटी में पहाड़ी गिरने से भारी भूस्खलन हुआ है, जिस कारण सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के द्वारा सुबह 7 बजे इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर चट्टानों को हटाने का कार्य शुरू किया गया। वहीं लगघाटी के स्थानीय निवासियों का कहना है कि खलाड़ा नाला में कई वर्षों से भूस्खलन होने से सब लोगों को यातायात के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में फल सब्जियों का सीजन शुरू होगा, उससे पहले सरकार प्रशासन को भूस्खलन को रोकने के लिए उचित प्रबंध करने चाहिए, ताकि इस क्षेत्र में लगातार हो रहे भूस्खलन को रोकने के लिए स्थायी समाधान किया जाए। खलाड़ा नाला में और यह तो पीछे भी बहुत गिरा हुआ था, बहुत इस पहाड़ का बहुत खतरा है यहाँ, इसीलिए यह तो गवर्नमेंट को इसका सही ढंग से प्रावधान करना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा हादसा ना हो। या बहुत यह 12 पंचायतों के लोग रहते हैं, तो उन लोगों को अब अगर बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ, तो इसका प्रावधान ताकि जल्द से जल्द निकाले, ताकि भी कट गया आगे से आधा रोड चले गया है, भविष्य के लिए पक्का क्या नाम डंगा वगैरह दिया जाए और पिछली साइड से भी पेट वाले दिए जाए, तो LNT आ जाती ना तब रोड निकल जाना था जल्दी, यहाँ छोटी जैसी जैसी भी है, टाइम ही बहुत ले रही है। ये अभी सरकार ने कुछ प्रावधान किया नहीं इसका, तो सुबह से ही रोड बंद है यार। लगघाटी का ये जो मेन स्थान है जी, मेन स्टेशन है लग वैली का खलाड़ा नाला, यहाँ जो भूस्खलन बार बार जो भूस्खलन हो रहा है, ये जो पीछे 7-8 साल पहले भी हुआ था, पीछे 2-3 साल पहले भी हुआ था, आज भी रात को 1:30 बजे जो हुआ है ना, हम जो सरकार से निवेदन करें लगघाटी का स्थायी निवासी होने के नाते, मैं लग वैली की जनता की ओर से या अपनी तरफ से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि भाई ये जो भूस्खलन बार बार हो रहा है, इस भूस्खलन का स्थायी समाधान किया जाए, क्योंकि जो यातायात जो बाधित हुआ है, इतनी जनता परेशान है लग वैली की। हम चाहते हैं सरकार से कि जल्दी जल्दी इसका समाधान हो, ताकि जो यातायात बाधित ना हो। बार बार ये भूस्खलन से कहीं जान माल का नुकसान भी हो सकता है। आज से पहले भी 3 साल पहले जो ये स्लाइडिंग हुई है, तो उसमें जो है एक गाड़ी में नुकसान हुआ, पर जान माल का नुकसान था, पर गाड़ी का नुकसान हुआ था, काफ़ी डैमेज हुई थी गाड़ी। अब जो ये बार बार भूस्खलन होने का कारण क्या है, हम सरकार से यही चाहते हैं कि इसका जो स्थायी समाधान किया जाए। कितनी पंचायतों को? सर 10 पंचायतें लग वैली में, जितनी 10 पंचायत ने पूरी की पूरा जो एक भी जो बसें हैं या जितनी भी छोटी गाड़ियाँ जो लग वैली कुछ शाम को जो गई है, वो ऊपर ही फंसी हुई, जो नीचे की गाड़ी नीचे ही फंसी हुई। हम चाहते हैं इनका जो जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए, यातायात जो ये जो चला हुआ है गाड़ी PWD वाला काम तो कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इसका समाधान किया जाए, ताकि यातायात का स्थायी समाधान हो और जनता को समस्या का समाधान किया जाए। पहले तो एक्चुअली कल रात को ही जो हमारा कालंग से भी जो हमारा ट्रेंच वियर है वो भी बंद था, तो कल रात तक तो पूरे शहर की सप्लाई बंद थी, पर वो अभी हमने उसको रिस्टोर कर दिया है, तो शेताघाट वाला जो हमारा प्लांट है वो चल पड़ेगा। पर जो ये खलाड़ा वाला प्लांट है, इसका यहाँ पे स्लाइडिंग के कारण इसकी करीब 250 mm की जो पाइप्स हैं, करीबन 8-10 पाइपें डैमेज हो गई हुई हैं, तो मेनली मतलब जो एरिया इसमें इफेक्ट करेगा अखाड़ा बाज़ार का एरिया है जो इससे कालंग प्लांट से जो कनेक्टेड है। पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो शेताघाट का जो पानी आ रहा है और जो यहाँ ऊपर अपर खलाड़ा से भी एक लाइन आ रही है, इससे हम मतलब इंटरकनेक्ट करेंगे पूरे शहर को और मतलब कहीं प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। बाकी रही बात इसकी, तो इसको भी हम कोशिश करेंगे कि 3-4 दिन के अंदर अंदर इसको हम रिस्टोर कर देंगे, 3 दिन के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे इसको रिस्टोर करने की। एक्चुअली जो अखाड़ा बाज़ार और जो ये गर्ल्स टैंक को एक्चुअली जो ऊपर वहाँ को ये लाइन जाती थी सुल्तानपुर में गर्ल्स स्कूल के पास जो टैंक है, और वहाँ से जितना भी उसी मतलब वो वाला एरिया जो उससे जहाँ से पानी सप्लाई होता है वहाँ को, तो वो इफेक्ट हुआ है इसमें मेनली। 3 दिन में कोशिश करेंगे इसको रिस्टोर करने की, क्योंकि इसमें काफ़ी वहाँ स्लाइडिंग जोन भी है, और तो 3 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे इसको कि हम रिस्टोर कर दें। बाकी बार ये है कि हम ऐसी कमी नहीं आने देंगे, इंटरकनेक्ट कर देंगे और
मतलब कि चाहे प्रेशर में लोगों से अभी लगे थोड़ा, हो सकता है प्रेशर में पानी कम है, बट मतलब इंटरकनेक्शन हम कर देंगे, पानी की कमी ऐसा नहीं रहेंगे कि पानी आए ना बिल्कुल भी, वैसी सिचुएशन नहीं आने देंगे।